गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट वन वीडियो चैप्टर का। पार्ट वन वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं संबंध यानी कि रिलेशन। तो रिलेशन अगर आमतौर पर बात करें तो जैसे बहुत तरह के रिलेशन हो सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ दो रेखा खींचे हैं, ठीक है, इसका नाम देते हैं कुछ, है ना, ए बी, और इसका नाम देते हैं सी डी। हम ये कह देते हैं यहाँ पे पहला कंडीशन क्या देते हैं कि रेखा ए बी जो है ना, ए बी रेखा ए बी सी डी से छोटी है, सी डी से छोटी है, तो यह एक संबंध हो जाएगा। अच्छा, चाहे ये कह दें कि रेखा ए बी जो है ना सी डी के समांतर है, ए बी जो है सी डी के समांतर है, ये भी एक संबंध हो जाएगा। अच्छा, ऐसे कह दें कि राम राम जो है ना श्याम से छोटा है, श्याम से छोटा है, ऐसा भी एक संबंध हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये भी ऐसा नहीं है, ये भी कहते हैं कि रोहन रोहन सोहन का दोस्त है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी हो सकता है संबंध, है ना, ऐसे बहुत सारे संबंध के प्रकार हो सकते हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये संबंध जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, ये क्लास इलेवेंथ में, हम लोग दो समुच्चयों, दो अरिक्त समुच्चयों के, है ना, आप समुच्चय के बारे में पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, तो दो अरिक्त समुच्चयों के संबंधों के ऊपर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। उनके कैसे संबंध होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरुआत करते हैं इसका। चलिए अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर शुरुआत करने से पहले क्रमित युग्म के बारे में। ये भी आपका चैप्टर का ही टॉपिक है लेकिन इसको समझना जरूरी है थोड़ा। क्रमित युग्म क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं, ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय, यानी कि इसमें कोई ना कोई अवयव मौजूद है, कोई ना कोई इसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि ये दोनों अरिक्त समुच्चय है। अब हम ए का कोई अवयव ए ले लें, यानी कि यहाँ समुच्चय ए के बारे में कह रहा है, तो इस समुच्चय ए का कोई अवयव ले रहे हैं ए, और समुच्चय बी का कोई अवयव बी ले लें, तो इस तरह से दो युग्म हम लोग ए कमा बी या बी कमा ए बना सकते हैं। और ये जो बी ए कमा बी या बी कमा ए लिख रहे हैं यही जो कहलाते हैं क्रमित युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रमित युग्म कहलाते हैं, दोनों क्रमित युग्म कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इसमें देखें, यहाँ पे दो एलिमेंट ले रहे हैं ए और बी, यानी कि ये जो पहला एलिमेंट है ये पहले सेट से है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से है, ठीक है। अब यहाँ अगर बी कॉमा ए लिख रहे हैं तो यहाँ कहेंगे कि पहला एलिमेंट यानी कि ये जो है बी जो है ये सेट बी से है, और ये दूसरा एलिमेंट इसके अंदर जो ए है वो सेट ए से है, समझ रहे हैं ना। अब ये जो क्रमित युग्म जो देख रहे हैं ना, ए ए कॉमा बी यहाँ जो देख रहे हैं ये क्रमित युग्म कहलाएंगे, ये तो आपको पता चल गया। तो यहाँ लिखा है क्या था, ए कॉमा बी ये जो है पेयर एक ऐसा क्रमित युग्म सूचित करता है जिसमें प्रथम सदस्य ए तथा द्वितीय सदस्य बी है, इसको प्रथम सदस्य और इसको द्वितीय सदस्य कहेंगे। अब इन क्रमित युग्म ए और बी में ए जो होता है, ए प्रथम निर्देशांक कहलाता है या प्रथम प्रविष्टि कहलाता है या प्रथम घटक कहलाता है। उसी तरह से ये जो बी एलिमेंट जो दिख रहा है ये द्वितीय निर्देशांक कहलाएगा, द्वितीय प्रविष्टि कहलाएगा या द्वितीय घटक कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये प्रथम, याद रखेंगे, ये पहला जो होगा ऑर्डर पेयर में जो पहला होगा उसको प्रथम निर्देशांक, प्रथम घटक या प्रथम प्रविष्टि कहेंगे, इसको द्वितीय निर्देशांक, द्वितीय घटक या द्वितीय प्रविष्टि कहेंगे। उस तरह से ये जो बी कॉमा ए का ऑर्डर पेयर लिखे हैं इसमें भी इस बी को, इस ऑर्डर पेयर में इस बी को प्रथम प्रविष्टि, प्रथम घटक या प्रथम निर्देशांक, और ए को यहाँ प्रथम निर्देश, द्वितीय निर्देशांक, द्वितीय घटक या द्वितीय प्रविष्टि के नाम से इसमें हम लोग जानेंगे, समझ गए। अब मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट दिया है एक दो और तीन, और कोई सेट बी है इसमें एलिमेंट दिया है पांच कोमा छह। तो अगर हम लोग देखें कि हमें लेना है प्रथम घटक पहले सेट से यानी कि सेट ए से, और द्वितीय घटक जो लेना है द्वितीय सेट बी से, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से पेयर की बात करेंगे, क्रमित युग्म की बात करेंगे, तो एक कोमा पांच हो सकता है इस पेयर में। आप देख रहे हैं इस क्रमित युग्म में देख रहे हैं कि ये वन जो है इस सेट ए से है और ये फाइव जो है सेट बी से है, ऐसे और भी हो सकते हैं, वन सिक्स हो सकता है, है ना, और क्या हो सकता है आपका उस तरह से टू फाइव हो सकता है, टू सिक्स हो सकता है, थ्री फाइव हो सकता है और थ्री सिक्स हो सकता है। तो ये सब जो क्रमित युग्म बन सकते हैं इससे, जिसमें क्या होगा कि पहला एलिमेंट है ना सेट ए से है और दूसरा एलिमेंट जो है इसके अंदर सेट बी से, यानी कि प्रथम घटक इसका प्रथम सेट से है यानी सेट ए से है, और द्वितीय इसका घटक जो है
सेट बी से है। अगर हम कहें कि प्रथम एलिमेंट या प्रथम घटक जो लेना है वो आपको सेट बी से लेना है और द्वितीय घटक जो लेना है सेट ए से लेना है, तो आपका बदल जाएगा, यानी कि इसमें लेना होगा 5, इसमें लेना होगा 1, ठीक है। इसमें लेंगे 5, इसमें लेंगे 1, और क्या लेंगे उसमें 5, इसमें 2, 5 3, देख लीजिए 6 1 6 2 और 6 3, ऐसे ये पेयर आप ले सकते हो। तो ये भी क्रमित युग्म के पेयर है, ये सब भी क्रमित युग्म है। इसमें क्या है कि पहला घटक जो है वो सेट बी से है और द्वितीय घटक जो है सेट ए से है, लेकिन इस लाइन में आप देख रहे हैं कि प्रथम घटक सेट ए से है और द्वितीय घटक सेट बी से है, बस इतना ही इसमें फर्क है। अगला टॉपिक देखते हैं, दो क्रमित युग्मों की समानता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो क्रमित युग्म A1 B1 और A2 B2 समान कहे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका A1 B1 और A2 B2 ये समान कब कहलाएंगे, यानी कि A1 B1 है ना बराबर होगा A2 B2 के, है ना। ये कब, ये क्रमित युग्म आपस में कब बराबर होंगे, यदि कब बराबर होंगे, यदि A1 बराबर हो A2 और B1 बराबर हो B2, यानी कि प्रथम घटक जो हो प्रथम घटक के बराबर हो, है ना, और द्वितीय घटक हो द्वितीय घटक के बराबर हो। अगर ये प्रथम घटक के बराबर होगा और द्वितीय घटक के बराबर होगा, तब ये क्रमित युग्म भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि आपको अगर कहा जाए, आपसे पूछ दें कि 1 2, है ना, एक क्रमित युग्म है और एक है 2 1, क्या ये आपस में बराबर होंगे, तो आप कहिएगा नहीं, क्योंकि सर इसका प्रथम घटक 1 है, इसका प्रथम घटक 2 है, अलग अलग है कि नहीं, इसका द्वितीय घटक 2 है, इसका द्वितीय घटक 1 है, तो ये दोनों में फर्क है, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। किसी दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन इसी क्रम में उन सभी क्रमित युग्मों A, B का समुच्चय है, है ना। उसमें जो क्रमित युग्म होंगे उन सबका समुच्चय होगा जहां ए बिलोंग टू, यानी कि एलिमेंट ए सेट ए से मिलेगा और एलिमेंट जो बी है वो सेट बी से मिलेगा। और क्या है यहाँ इसके बाद कि ए और बी के कार्तीय गुणन को ए, इसको क्रॉस पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी द्वारा सूचित किया जाता है, और इसको क्रॉस पढ़ते हैं, यहाँ लिख दिए हैं पहले ही, चलिए तो इसको आप क्रॉस पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए इसको ए क्रॉस बी, यहाँ लिखने का तात्पर्य है कि ए और बी वाले ऐसे क्रमित युग्म होंगे, वो सारे क्रमित युग्म होंगे, यानी कि इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, याद रखिएगा इस संकेत को पढ़ा जाता है फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए, सभी के लिए, यानी कि यहाँ भी यही कह रहा है कि ये सभी के लिए क्या होगा कि एलिमेंट ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करेगा और एलिमेंट बी जो है सेट बी से बिलोंग करेगा। यानी कि ये जो A, B का जो ऑर्डर पेयर है, क्रमित युग्म है, ये बिलोंग करेगा किससे, ए क्रॉस बी से। और इसमें ये भी ध्यान देना है कि ये जो एलिमेंट ए होगा ना, ए ये बिलोंग करेगा सेट ए से, है ना, और एलिमेंट बी जो होगा ना वो बिलोंग करेगा सेट बी से, समझ गए यहां से। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए एक सेट ए दिया है, उसका एलिमेंट आपके पास है 1 2 3, ठीक है, और एक सेट बी दिया है, बी दिया है, अब इस सेट बी का जो एलिमेंट है आपके पास है 4 5, ठीक है। अब मान लीजिए इनका निकालना है आपको ए क्रॉस बी, है ना, इनका कार्तीय गुणन निकालना है, तो उन सभी क्रमित युग्म को लेंगे जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए सेट बी से होना चाहिए, यानी कि इस तरह से 1 4, देख लीजिए ये पेयर है ना, 1 5 2 4 2 5, है ना, उसी तरह से 3 4 और 3 5, यही ना टोटल पेयर होंगे। चलिए अब देखिए, अब हम लोग अगर हम बात करें B क्रॉस A का, तो पहला एलिमेंट क्या किससे होना चाहिए सेट बी से और दूसरा एलिमेंट किससे होना चाहिए सेट ए से, यानी कि प्रथम घटक जो होगा ऑर्डर पेयर का वो पहले सेट से होना चाहिए, यानी कि सेट बी से होना चाहिए, है ना, और दूसरा एलिमेंट जो होगा, दूसरा जो घटक होगा सेट ए से होना चाहिए, उल्टा हो जाएगा आपकी बार, ठीक है। यानी कि 4 1 4 1 4 2 4 3, है ना, फिर उसी तरह से 5 1 5 2 और 5 3। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है, तो जी नहीं, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि आप देख लीजिए अगर 1 4 यहाँ है तो यहाँ है 4 1, तो अभी आपको बताया था कि 1 4 में और 4 1 में बहुत अंतर है, क्योंकि इसका प्रथम घटक
इसका प्रथम घटक, दोनों अलग अलग है कि नहीं, तो ये समान कैसे होंगे, नहीं ना होंगे, तो इसलिए ये बराबर नहीं होता है। जब किसी सेट के एलिमेंट ही नहीं बराबर होंगे तो सेट आपस में थोड़े बराबर हो जाएंगे। अगला टॉपिक है आपका कार्तीय गुणन समुच्चय में अवयवों की संख्या, ठीक है। तो दो परिमित समुच्चय यानी कि जिनके अवयवों की संख्या की गिनती की जा सके, दो परिमित समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणन समुच्चय के अवयवों की संख्या ए और बी में अवयवों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि आपको कार्तीय गुणन ए और बी के अवयवों की संख्या जो होगी दोनों के अवयवों की संख्या के गुणनफल यानी कि एन ए गुना एन बी के बराबर होगी। कैसे होगी, अब जैसे मान लीजिए एक सेट ए था, अभी जो एग्जांपल देखे उसी को देख लीजिए, 1 2 3 उसके एलिमेंट है, और एक आपके पास सेट बी है, इसका एलिमेंट मान लीजिए आपके पास है 4, 5। तो आपसे कहा जाए कि ए क्रॉस बी बताइए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे यहाँ पे 1, 4 1, 5 है ना, 2, 4 2, 5 है ना, और क्या लिखेंगे 3, 4 और 3, 5 ऐसे ही ना ऑर्डर पेयर लिखेंगे। तो ये जितने भी ऑर्डर पे ए क्रॉस बी निकल गया। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, तो 3 × 2 कितना होता है 6 होता है ना, इनके अवयवों की संख्या का गुणनफल करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसमें गिन लीजिए कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जब अवयवों की संख्या की बात करें तो जरूरी नहीं कि आपको कार्तीय गुणन करके देखना पड़े, बस आपको पता करना है कि जो दिए गए सेट है उसमें कितने अवयव हैं। जैसे यहाँ सेट ए में है आपके पास 3 अवयव, ठीक है, और सेट बी में आपका कितना अवयव है 2, आपको निकालना है ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या, यानी कि हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6। जब आपको उसके अवयव निकालने होंगे, क्रमित युग्म निकालना होगा, कार्तीय गुणन निकालना, तब तो ये निकालना पड़ेगा। लेकिन जब सिर्फ अवयवों की संख्या पूछे कार्तीय गुणन समुच्चय की, तो सिंपली उसके अवयवों की संख्या में उसके अवयवों की संख्या में गुना कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का तीर आरेख से निरूपण। चलिए इसको एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1, 2 और 3, और एक कोई सेट बी है, ठीक है, इसका एलिमेंट हम लोग क्या मान लेते हैं, चलिए हम लोग मान लेते हैं इसका 6, 7, ठीक है। अब आपसे कहें ए क्रॉस बी निकालिए, तो आपको तो अब पता चल ही गया क्या करना है, 1, 6, 1, 7, 2, 6, 2, 7, 3, 6 और 3, 7, यही ना करेंगे, तो ये आपके कार्तीय गुणन इसका निकल गया। अब इसका इस समुच्च का तीर आरेख द्वारा निरूपण कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा कि आपको दो समुच्च दर्शाएंगे, दो समुच्च हम लोग दर्शाएंगे इस तरह से ओव्यूल शेप में बना लेंगे, ये इसको ए दे देंगे और इसको बी देंगे, और इसके एलिमेंट इसमें लिखेंगे 1, ठीक है, ये 2 और ये 3। तो यहाँ ध्यान देना होगा, जो यहाँ इसमें लिखेंगे ना तो इसको बिंदु को इधर दर्शाएंगे, ठीक, और इसमें लिखेंगे ना तो बिंदुओं को इधर दर्शाएंगे, क्योंकि तो आसानी से इसको मिलाया जा सके, मिलान करना इसमें। तो देखिए यहाँ जो दिखाया गया है इस कार्तीय गुणन में आपको क्या दिखाएगा कि एक 6 के साथ मिला है, 1 और 6 का ऑर्डर पेयर है, फिर अगला क्या है 1 और 7 का ऑर्डर पेयर है, ठीक, उसी तरह 2, 6 से मिला है, ठीक है, फिर अब क्या है तो फिर 2, 7 से मिला है इस तरह से, फिर उसी तरह से 3 किससे मिला है 6 से मिला है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, और फिर क्या है 3, 7 के साथ, तो इस तरह से आपको इसमें दर्शा देना होगा 3, 7 के साथ, हो गया। अब इसको तीर द्वारा इसमें दिखा देंगे, इंडिकेट कर देंगे कैसे हम लोग एलिमेंट्स को मिलाए हैं, चलिए आपस में ऐसे दर्शाए हैं इस तरह से, तो यहाँ तीर दर्शा देंगे कि ए से बी में यहाँ पे, यानी कि यहाँ दिखा रहा है कि ए और बी का एक कार्तीय गुणन है, ठीक है, ए और बी का कार्तीय गुणन है। मान लीजिए इसी सेट का अगर आपको बी गुना ए निकालना होता तब क्या करते, तो आपको क्या करना होगा, तो बी सेट जो था आपका बी में क्या था, आपको था 6, 7, और ए सेट में क्या है आपका 1, 2, 3। अब हमें बी और ए का कार्तीय गुणन निकालना है और तीर आरेख द्वारा निरूपण करना है, तो देखिए इसमें क्या होगा 6, 1, अच्छा और क्या होगा 6, 2, 6, 3, उसी तरह से 7, 1, 7, 2 और 7, 3, यही ना होगा। अब देखिए ये आपको पता चल गया, अब देखिए इसको उसी तरह से मिलाएंगे, तो यहाँ दो ओव्यूल शेप में इस तरह से सेट को दर्शा देंगे, चलिए हो गए। अब देखिए इसमें दिखा देंगे कौन कौन से सेट है, ये सेट आपका बी, अब की बार बी पहले आएगा है ना और ये बाद में आएगा, तो इस पे दिखाएंगे 6 है ना एलिमेंट और यहाँ 7 है ना, और बाकी इसमें कौन कौन से है, तो 1 है 2 है और 3 है, और इसमें हम लोग दिखाए हैं
कि छह जो है किसके साथ, छह और एक का क्रमित युग्म है, छह और एक का है, फिर छह और दो का है, अच्छा फिर छह और तीन का है ना। उसी तरह से सात और एक का है, फिर सात दो है और फिर सात तीन है, और इसमें तीर दर्शा देंगे इस तरह से कि ये किसमें से किसको दिखाया गया है इसमें, ये दर्शाने के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ये किसका पक्का है, तो ये b गुना a है, समझ गए ना, b क्रॉस a है, यानी कि b और a का कार्तीय गुणन है और उसका तीर आरेख द्वारा ये निरूपण कर दिए, यानी से क्लियर हो गया ये। अगला है आपका a तथा है ना a क्रॉस b का चित्रीय निरूपण, a क्रॉस b का चित्रीय निरूपण। चलिए मान लीजिए एक सेट a है जिसका दिया है एलिमेंट एक तीन और पांच, ठीक है, और एक सेट b ले लेते हैं, उसके एलिमेंट आपके पास है दो कॉमा चार, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो आपको तो फॉर्मूला पता है कैसे निकालना है, आपको नियम तो पता ही है, एक दो लिखेंगे, एक चार लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह ना कि पहले सेट से सेट ए से पहला एलिमेंट होना चाहिए और दूसरे है ना, दूसरा पहला घटक होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा जो घटक होगा वो सेट बी से होना चाहिए, ऐसे ही ना लिखना है आपको, ये तो पता ही है आपको, तीन दो फिर आपका तीन चार फिर पांच दो और पांच चार, यही ना होंगे टोटल क्रमित युग्म। चलिए एक क्रॉस भी निकल गया, अब इसका चित्रीय निरूपण किस तरह से दर्शाएंगे, तो इसमें क्या करना होगा कि आपको इसे हल लेना होगा। यहां देखिए ये हमने दिखा दिए एक्स अक्ष और ये दिखा दिए वाई अक्ष, ठीक है, और यहां दे देंगे ओ, ये आपका एक्स को दर्शा रहे हैं और ये वाई अक्ष को, ठीक है। अब देखिए ए के अवयव, ए के अवयव यानी कि इस पर रहेगा समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय ए के अवयव, ठीक है, कब, जब ए क्रॉस बी दिखाएंगे तो एक्स अक्ष पे समुच्चय ए के अवयव और वाई अक्ष पे समुच्चय बी के अवयव, समुच्चय समुच्चय बी के अवयव, सॉरी इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। चलिए आपका हो गया समुच्चय समुच्चय बी के अवयव। अब देखिए इसमें अवयव है एक दो एक तीन और पांच, तो इसमें आप लिखिएगा यहाँ पे एक लिखिएगा, दो भी लिख दीजिए, तीन लिख दीजिए, चार लिख दीजिए और पांच लिख दीजिए, ठीक है, पांच तक लिख दीजिए, और इस पे भी उसी तरह चलिए क्योंकि बराबर बराबर, यहाँ अब ये नहीं कि इसमें दो और चार रहते, इसमें सिर्फ दो और चार को ही दर्शाएंगे, ठीक है, इस पे लिखेंगे आप, आपको ग्राफ में पता है ना सबको इसमें दर्शाना होता है, वो तो बिंदुए जो दी होंगे उसके अनुसार यहाँ दर्शा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह करिएगा, एक दिखाइए, दो दिखाइए, तीन दिखाइए, चार तक ही है तो चार तक से आपका काम चल जाएगा, पांच लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, एक और दो ऑर्डर पेयर में क्रमित युग्म में कौन है, एक और दो है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसमें कौन कौन से रेखा को मिला है, आप एक मिला है दो के साथ और एक मिला है चार के साथ, तो ऐसे ले लीजिए, एक वाला ले लीजिए, ठीक है, इसमें दूसरा एलिमेंट तीन है, दो को नहीं लेना है, इस तरह से ऐसे पहले रेखा खींच दीजिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे, और पांच है तो पांच को ऐसे सीधा खींच दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, दो और चार है, तो इसमें दो वाले के सामने सीधा लकीर खींच दीजिए, ठीक है, और ये चार वाले के सामने खींच दीजिए, ओके। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आपका बना है, यानी कि देखिए ये जो ये बना है ना एक ए क्रॉस बी का, ये एक एलिमेंट है, यानी कि ये क्रमित युग्म में है ना, तो ये क्रमित युग्म में एक और दो का दिखाया गया है, तो यहाँ क्रॉस दे देंगे, यहाँ भी क्रॉस दे देंगे, देख लीजिए एक और चार भी है उसमें, तीन और दो है और क्या है, तीन और चार है, पांच और दो है और पांच और चार है, तो इस तरह से इसको दर्शाएंगे, समझ गए, बाकी को नहीं दर्शाएंगे क्योंकि ये दो और चार इस सेट के एलिमेंट नहीं है, या फिर इस क्रमित युग्म में भी देखना ना, स्पेयर में जो होगा वो इसी को ना लेना होगा, तो इस तरह से आपको इसमें दर्शाना होगा। जैसे बी में देख लीजिए एक और थ्री लेना पड़ा है ना, लेना क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें बराबर बराबर दूरी पे ना एलिमेंट को लिखा जाएगा, समझ रहे हैं ना इस बात को, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ संबंध इसको नहीं दर्शाएंगे, इसमें कुछ मिलाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिंपल है, ये कुछ नहीं करना है आपको, इसके सामने यानी एक तीन पांच है, इसके सामने रेखाएं खींच देनी है, इसके सामने रेखाएं खींच देनी है, जहां प्रतिच्छेद करेगा वहां क्रॉस का चिन्ह दे देना है। अगर यही आपको बी क्रॉस ए रहता, बी क्रॉस ए निकालना होता, तो कुछ नहीं करना होता, उसी तरह से इस पे बी क्या है, समुच्चय बी क्या हो, इस पे आ जाते एक्स अक्ष पे और समुच्चय ए क्या हो जो आ जाते किस पे, वाई अक्ष पे आ जाते और उसको इसी तरह से मिलान कर देते, समझ गए। अब चलिए इसमें कुछ आइडेंटिटी है, कुछ लॉ है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये सब जो है आप जैसे हम लोग पढ़े थे ना समुच्चय में प्रूफ किए थे इस तरह के क्वेश्चन, हम लोग यहाँ भी इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके देखा जाए, पहला देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं कि माना एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पे लेना होगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट
इस तरह से ही आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के ही रूप में आएंगे, ठीक है, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। तो यह जो होगा एलिमेंट होगा किसके लिए, ए क्रॉस, है ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के लिए। देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो दो सेट का, तो उसका एलिमेंट तो यही ना कहलाएगा, क्रमित युग्म के ही रूप में होगा। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, क्रॉस की जगह यहाँ कॉमा देना होगा आपको, वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फिर इसके बाद फिर इम्प्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा देके y belongs to b, है ना, और इंटरसेक्शन है तो क्या आएगा, और दे देंगे, और या तथा भी यूज कर सकते हैं, y belongs to c, समझ गए। अब उसी तरह से यहां से अब बढ़ जाएगा, x belongs to a कमा y belongs to b, है ना, और x belongs to a कमा y belongs to c, समझ गए ना, इसको इसके साथ एक बार इसके साथ कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि यह एक्स वाई का ऑर्डर पेयर हो गया ना, एक्स कॉमा वाई ये जो ऑर्डर पेयर हो गया ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में, है ना, और यहाँ पे इसका मतलब यह हो गया कि एक्स कॉमा वाई जो ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी में। अच्छा, जब ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है और ए क्रॉस सी में ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई जो ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी और है तो इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यानी कि आपको यहां से ये पता चल गया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इस तरह से, है ना। अब देखिए ये पहला हो गया, इसी प्रकार से हम मान लेंगे कि माना, पुनः फिर दोबारा करना होगा, यहां लिख देंगे पुनः, पुनः हम लोग क्या मान लेते हैं, माना x, y जो ऑर्डर पेयर है यह बिलोंग कर रहा है अब की बार RHS के साथ, यानी कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c के साथ ये बिलोंग कर रहा है, समझ रहे हैं। अब क्या लिखेंगे आगे, तो यहाँ आप इम्प्लाइज बाई, आप ऐसे लिख सकते हैं कि x जो एलिमेंट है, x और y का ऑर्डर पेयर जो है ये बिलोंग करेगा a क्रॉस b से, है ना, इंटरसेक्शन है यहां तो हो जाएगा तथा या और, है ना, और x, y का ऑर्डर पेयर जो है वो बिलोंग करेगा a क्रॉस c से। अच्छा, यहाँ पे आप पुनः आप क्या कर सकते हैं, तो x बिलोंग करेगा a से, है ना, और यहाँ y जो बिलोंग करेगा b से, और उसी तरह से यहां लिखेंगे और, है ना, और सॉरी, और क्या हो जाएगा, x belongs करेगा a में, है ना, और कॉमा देके y belong करेगा c में, यही ना, यानी कि इसका तात्पर्य हुआ कि x belongs to a, है ना, कॉमा y belongs to b, है ना, y belongs to b और y belongs to c, यही ना मतलब हुआ। अब यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि x belongs to a कॉमा y belongs to b इंटरसेक्शन, और है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी कि यहां से यह आपका क्लियर हो गया कि x y का जो ऑर्डर पेयर होगा ये बिलोंग करेगा a क्रॉस बन जाएगा ना, कॉमा हटेगा तो क्रॉस b इंटरसेक्शन c से, यानी कि उल्टा अब यहां हो गया, यहां हो गया कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c जो हो जाएगा सबसेट हो जाएगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन c से, ये दो हो गया। तो यहाँ एक तथा दो से हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका सबसेट है और ये वाला इसका सबसेट, जब एक दूसरे का सबसेट है तो बराबर नहीं हो जाएगा, है ना, समीकरण एक तथा दो से इन दोनों से क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, समझ गया, यहां से ये साबित हो गया। या फिर एक और आपको तरीका बताए थे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, उससे भी देख लेते हैं, जो दूसरा तरीका आपको सिखाया था उसमें भी इसी तरह से लिखना होता है, बस यहाँ पे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई दोनों तरफ से दे देंगे ना, तो आपका सारा काम बन जाएगा, एक ही बार लिखेंगे। तो आपको सिखाए थे एक्स बिलोंग्स टू ए और यहाँ लिखेंगे वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, यही ना, यानी कि अब फिर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी और
और वाई बिलोंग्स टू सी, ठीक है। फिर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज भाई, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी, और उसी तरह से हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए है ना कॉमा एक्स वाई बिलोंग्स टू सी, वाई बिलोंग्स टू सी, यानी कि अब ये आपका हो जाएगा इस तरह से कुछ, एक्स कॉमा वाई का जो ऑर्डर पेयर होगा ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से, है ना। और यहाँ हो जाएगा क्या कि x और y का जो ऑर्डर पेयर है, x कॉमा वाई का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करेगा a क्रॉस c से। अच्छा, इसका मीनिंग यही ना हो गया कि x कॉमा वाई जब बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b में और b a क्रॉस c में, तो यहाँ ऐसे और बीच में और है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b, है ना, इंटरसेक्शन आ जाएगा a क्रॉस c। तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बेसिस ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, आपको डबल मेहनत इसमें नहीं करना पड़ता है ना। तो ये भी आप तरीका अपना सकते हैं, तो यही तरीका आपके लिए सुटेबल रहेगा, है ना, आपका स्टेप बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, है ना। चलिए यही लगाइएगा। इसका सेकेंड नंबर भी सेम उसी तरह का है, ठीक है, इसमें उसी तरह, बस यूनियन आ गया है, तो यह यूज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना एक्स कॉमा वाई का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी से। फिर आपको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज भी लगाना है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा y belongs to b union c, ठीक है। फिर उसी तरह से x belongs to a comma y belongs to b union है, तो या y belongs to c। अच्छा देखिए, अब इसके बाद बात दीजिए इसी तरह से, x belongs to a comma y belongs to b या x belongs to a comma y belongs to c। इसका मतलब हो जाएगा x y का ऑर्डर पेयर जो होगा वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में, है ना, या एक्स कॉमा वाई का जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी में, है ना। यानी कि यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई का ऑर्डर पेयर, जब एक्स कॉमा वाई का ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है और ए क्रॉस सी में भी बिलोंग कर रहा है, तो यहां लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई का ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी, है ना, और यहां देखिए या है तो यूनियन हो जाएगा ए क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है ना, इसलिए आपका ये हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, समझ गए। चलिए चलिए सेकेंड प्रमेय देखते हैं, कि नहीं तीन समुच्चयों ए बी सी के लिए हमें दिखाना है ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। यानी कि देख लीजिए, ये वितरण नियम जैसे आपको लग रहा होगा, ए बी में हो गया फिर ए सी में हो गया, यही ना दिख रहा है, इसके पहले वाला भी वितरण नियम जैसा ही आपको लग रहा था, है ना, है ना। तो इसको साबित करके देखा जाए, चलिए हम लिख देते कि माना, उसी तरह लेना होगा माना एक्स कॉमा वाई जो क्रमित युग्म है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी माइनस सी से, ठीक है। तो यहाँ लेंगे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, एक्स बिलोंग्स टू ए और कॉमा y बिलोंग्स टू b माइनस सी। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b, है ना, और y नॉट बिलोंग्स टू c, y नॉट बिलोंग्स टू c, माइनस के लिए यही ना होता है कि y c से बिलोंग नहीं करेगा, समझ रहे ना यह बात को। अब देखिए यहां जो आप देख रहे हैं, आप इसे बांट सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी, और है ना बांट रहे हैं यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई नॉट बिलोंग्स टू सी, समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ हो जाएगा इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, एक्स कॉमा वाई जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में, ठीक है। और यहाँ चलिए एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर जो है नहीं बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी में, क्यों, क्योंकि जब ये वाई एलिमेंट सेट सी से नहीं मिल रहा है तो ये ऑर्डर पेयर भी ए क्रॉस सी से नहीं मिलने वाला, ये तो आपको पता चल गया ना ऐसे। तो इसीलिए कि जब ये वाई एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा सी में, तो एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर होगा वो कैसे बिलोंग कर जाएगा ए क्रॉस सी में, ये भी नहीं बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब यही ना मीनिंग निकल रहा है कि यहाँ एक्स कॉमा वाई का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से और ए क्रॉस सी से नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, है ना, और है और यहाँ पे नॉट बिलोंग टू है, तो माइनस ना आ जाएगा,
माइनस ए क्रॉस सी, है ना। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया कि ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर होगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। क्लियर हो गया। अब चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको हमेशा ये वीडियो 7 बजे इवनिंग में अपलोड हो जाती है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। 7 बजे शाम को एकदम डेफिनेटली आपको मिलेगी, आधे घंटे पहले ही आपको वो मिल जाता होगा उसका, ठीक है, कि वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।